तुम बड़ो आके हमको भी तो राजेन प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और एक अधिवक्ता थे। ये हम लोग के लिए बहुत फख्र की बात है कि आज उनके जन्मदिन को हम अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। और चूंकि कल दिन इतवार था तो आज हमारी बार में इसका एक आयोजन किया गया सेल्टिक्स बार एसोसिएशन में। और इस आयोजन के में हमारा जो कार्यकारिणी का विशेष महत्व है वो खास तौर से हमारी कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विवेक सिंह का, क्योंकि विवेक सिंह ने आज के दिन को आयोजन करने के लिए जलपान की व्यवस्था भी करवाई। और विवेक सिंह हमारे ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि विवेक सिंह हमारी सेल्टिक्स बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूपी बार काउंसिल का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरी उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं और वो विजयी हों और हमारी सेल्टिक्स बार का नाम ऊंचा करें तथा टैक्स बार के भविष्य में टैक्स के प्रोफेशन में वर्तमान में जो GST है उसमें जो भी समस्याएं आ रही उनके समस्याओं का निवारण यूपी बार काउंसिल में पहुंचकर अधिवक्ता माध्यम से ही कराया जा सकता है, जिसके लिए विवेक सिंह को हमारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। विवेक सिंह विजयी हों और सेल्टिक्स बार का नाम ऊंचा करें। मैं सेल्टिक्स बार एसोसिएशन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह एडवोकेट हूं और मेरे अध्यक्ष जी श्री अशोक कुमार ओझा जी हैं और पूरी कार्यकारिणी ने मुझे आज एक दायित्व दिया है, मुझे सदस्य बार काउंसिल के लिए चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है कि मैं इनका प्रतिनिधित्व करूंगा। इस बार का टैक्सेशन के एडवोकेट्स वहां तक अभी नहीं इतना सफल हो पाए हैं तो सेल्टेक्स से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मनोबल मिला है। मेरे बड़े भाई उन्हें मिल के मुझे चुना है कि मैं ये चुनाव लड़ूँ। चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे चुनाव में मेरे सर्वप्रथम मुद्दे जो हैं वो तो बहुत बार सभी एक कॉमन मुद्दे हैं लेकिन हमको थोड़ा इग्नोर करते हैं। मेरे मुद्दे थोड़े टैक्सेशन से लेके रहेंगे, टैक्स में जो समस्याएं मेरे अधिवक्ताओं की हैं वो ऊपर तक नहीं जा पाती हैं, मैं उनको लेके जाऊंगा, उनका निस्तारण होगा। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमको हमारे जो क्षेत्र है उसमें दखलंदाजी की जा रही है, उसमें प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को घुसेड़ा जा रहा है, अधिवक्ताओं की अनदेखी की जा रही है। उनको देख के मैं अपने अधिवक्ता साथियों को उनमें आगे लाऊंगा और हम इसी की लड़ाई लड़ेंगे।